एक दूसरे के साथ ही। दुख आता है उसके बाद सुख जरूर आता है। दुख के समय में हम भगवान को याद करें तो अच्छा रहता है। तो हमारी एक प्रवृत्ति है कि जब भी दुख आता है तभी हम भगवान को याद करते हैं, सुख में तो सब भूल जाते हैं। तो सुख में भी अगर याद करें तो दुख काहे को करें। जैसे कि कबीर दास ने बोला है, दुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोए, सुख में सिमरन करो तो दुख काहे को करे। परंतु फिर भी ये सुख और दुख धूप और छांव की तरह है। धूप के बाद छाया आती है, छाया के बाद धूप आती है, तो ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। हमसे डरना नहीं चाहिए, जबकि दुख भी आ जाए तो डरना नहीं है। तो ये सारे मेरे जो पॉइंट्स हैं मैंने इकट्ठे करके आपको बता दिया। सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सुखी रहने के क्या उपाय हैं। तो इसमें सबसे पहले तो शांत रहो, और है ये सब पॉइंट्स मुश्किल, पर जब तक उनको हम अमल नहीं करेंगे तब तक हमारा सुखी नहीं रह सकते। जहाँ तक कोशिश हो कि इसको अपने ऊपर अमल करने की कोशिश करें, जितने भी कर सके। सबसे पहले रेखा को बताओ। ओके, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं जरूर बोलूंगा। शांत रहो, मनन करो, जो हमारे दिमाग में आए उसको ठीक है, पर अपने मन के अंदर उसको सोचो। दूसरे हंसते रहो, खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ, तो सुखी रहोगे। कम खाओ, अच्छा खाओ। अगर ज्यादा खाओगे तो दुखी होंगे ही होंगे, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। आज दिन भर के गुलाब जामुन खाइएगा और सुखी रहिए। समय का सदुपयोग करो। आज अच्छा दिन है, नया वर्ष का हम कर रहे हैं, इसलिए हमें समय का उपयोग कर रहे हैं। किसी की बुराई मत करो, चिंतन करो चिंता नहीं। कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है, चिंता चिता समान है, इसलिए चिंतन करो चिंता नहीं। समय सुबह एक घंटा मौन रखो, जो कि बहुत मुश्किल होता है, सब बोलना शुरू कर देते हैं सुबह उठते ही। न्यूनतम आवश्यकताएं रखो, अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करो, इच्छाओं से नियुक्त हो और सबसे कम आवश्यकताएं रखो। और किसी को क्षमा मांगने के लिए, क्षमा देने के लिए आलस मत करो। क्षमा मांगे, कोई भी क्षमा मांगे तो उसको क्षमा कर दो। और हमेशा सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो अपनी। सबके प्रति हित का भाव रखो, सबकी भलाई करो। ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखो, भगवान सब ठीक करेगा। दुख के समय भी वो हमारा साथी है, हमारे साथ रहता है। जब भी दुख आए वो हमारे को हमारी सहायता करेगा। तो आप हमेशा दुख में भी खुश रहो। कमाई का कुछ हिस्सा दान करो, मेरे ख्याल सभी करते होंगे, कुछ तो कुछ करते ही होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, अधिकार को भूलो, अपने राइट्स के ऊपर ज़्यादा जोर मत दो। कर्तव्य याद रखो, कर्तव्य याद रखो, अपने अधिकारों को मत याद। सेवा करो, बदले में कुछ मत मांगो। सेवा का मौका मिले तो सेवा करो और उसके बदले में कुछ मत मांगो। सुबह जल्दी उठो और रात्रि जल्दी सो जाओ। रात्रि को तो हमारे देर से ही सोते हैं, या जल्दी हमारे जैसे लोग तो जल्दी भी सो जाते हैं। अपने आप को अच्छे कार्यों में लगाओ, किसी पर गुस्सा मत करो और अपने ऊपर भी नहीं। अपने ऊपर भी अंदर गुस्सा कर कर के अपने स्वास्थ्य खराब करोगे, घुटन होगी। किसी के प्रति ईर्ष्या व द्वेष की भावना मत रखो और किसी को दुख मत दो। और अंत में किसी का अपमान मत करो, सबसे बड़ी चीज़ है किसी का अपमान मत करो। तो अगर ये सारे जितने पॉइंट्स हैं हमारा, उनमें से कुछ भी अपना ऊपर लागू करें तो मेरे ख्याल में हम सब सुखी रह सकते हैं। थैंक यू।